खुदावंद के नाम में मुकद्दस में से हमारे लिए आज की जो आयात है योहन्ना की बात करूँ की इंजील मुकद्दस बाब नंबर 6 और 5 नंबर 2 के फिर से खुदा यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता और मैं उसमें। पाप कलम पे पढ़े जाने पर सुने जाने पर हम सब पर गुलाम की बरकत। आमीन 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 आमीन। शुक्र करते हैं हमारे साथ कलाम करता है, उसने जिंदगी बख्श कलाम हमें बख्शा है। और इस कलाम का तल्लक जो है हमारी तौबा माफी निजात और सबसे बढ़कर हमेशा की जिंदगी अबदी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर सबसे बढ़कर कि हमारा तल्लक किस तरह से खुदा के साथ। आज जबकि पाक ईशा की इबादत है और कलीसिया के जितने भी ईमानदार लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, हम नए मखलूक हैं, हमने यीशु को अपना निजात दीदा कबूल किया है, अगर वो इसकी अहमियत को नहीं जानते, इसमें शरीक नहीं होते, तो क्या वो इससे बरकत पाएंगे। अभी हमने ये पढ़ा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम्हारी जिंदगी। खुदावन के बदन और खून में शरीक होने से, बदन और खून को लेने से हम जिंदगी पाते, हम जिंदा। खासकर वो लोग, वो ईमानदार जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, नए सिरे से पैदा। और मत्ती की इंजील उसका 26 बाब 26 से 28 आयत, मरकुस 14 बाब 22 से 24 और लूका 22 बाब 19 से 20 आयात। जब खुदावंद यीशु मसीह ने फसा का आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ खाया, तो यीशु ने उस वक्त उनको भी ये कहा, धंधो अपनी थोड़ी बरकत दी और कहा, लो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए। फिर इसी तरह उसने कहा था, प्याला लिया और कहा कि लो कि ये खून में नया अहद है। गुनाहों की जो माफी है वो बहुत जरूरी है। जब तक हम इकरार नहीं करेंगे हमें गुनाहों की माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि हम सब के सब गुनाहगार हैं। गुनाह की हालत में हम पैदा होते हैं कि हम नस्ले इंसानी से,
आदम की नस्ल से और उसी गुना नाफरमानी का गुना नस्ल इंसानी में चला आता और इसलिए रोमियो के खत तीन बाब तेईस आयत में लिखा है इसलिए कि सबने गुनाह किया और सब गुनाह के जलाल से महरूम है। जिसका मतलब यह है कि हमने खुदा के खिलाफ खता की है, बगावत, उसके कवानीन को तोड़ा है, उसके असूलों को हमने नजरअंदाज किया है, हम अपनी राहों पर चले हैं। गुनाह ने हमारे तल्लक को खुदा के साथ तबाह कर दिया। वो खुदा जो मुकम्मल पाक है, वो बदी से जुदा है, वो कामल है, वो पाक है, वो बेऐब है, और वो खुदा बदी और सरकशी के साथ रह नहीं सकता। और खुदा जो है वो कामल इंसाफ पर तकादा करता है, खुदा जो है वो कामल इंसाफ का तकादा करता है कि हमें हमारे गुनाह की सजा दी जाए, क्योंकि गुनाह जो है वो खुदा के खिलाफ हद दर्जा खुदा के खिलाफ है और गुनाह की संगीनी जो है की वजह से हम खुदा से जुदा हो जाते हैं, खुदा से कट जाते हैं। लेकिन खुदा की ये मर्जी नहीं है कि हम खुदा से जुदा हों। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि खुदा अपना रहम हम पर फरमाता है। गुनाह की वजह से हम मुजरम हैं और मुजरम जो होता है वो सजा का हकदार होता है, सजा उसके लिए वाजिबी होती है। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमें माफ किया, यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात दी, यीशु ने हमारे गुनाहों को माफ किया है। इसीलिए रोमियों पहला बाब उसकी 8 आयत में लिखा है बस जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म के गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में क्या है हमेशा की। गुनाह की मजदूरी तो मौत है लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में हमें बख्श दिया गया है और हमें हमेशा की जिंदगी बख्श दी गई है। हालेलुया। तो फिर जरूरी है कि हम अपनी खताओं, अपनी गलतियों, गुनाहों का इकरार करें, उसी के लहू से पाक हो जाएं और उसकी निजात को हासिल करें और उस निजात में हम बढ़ें, क्योंकि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे गुनाह का कफारा देने के लिए दुनिया में और यीशु ने हमारे गुनाहों का कफारा दिया और यीशु मसीह ने अपनी मर्जी के साथ अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश किया और खुदा हमें अब ये हुक्म देता है कि हम अपने आप को उसके सुपुर्द करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और हमें माफी की वो पेशकश कर रहा है कि हम माफी को हासिल। मैंने आपको पहले ही बताया है यीशु के बदन तल्लक जो है वो हमारी तौबा, हमारी माफी, हमारी निजात, हमारी अपनी जिंदगी के साथ हमने हवाले में भी पढ़ा कि जो मेरा गोश्त खाता मेरा लहू पीता हमेशा की जिंदगी। अगर आप जिंदगी को पाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में
रहना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो जिंदगी जो यीशु आपको देना चाहता है, तो फिर उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करें। टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने की जरूरत, जुदाई जो हमारे और खुदा के दरमियान है उसको दूर किया, उसको खत्म किया यीशु से। हमें यीशु मसीह को शख्सी निजात दिला कबूल करना होगा, क्योंकि उसके खून के वसीला से हमारी मखलसी, हमारी निजात हुई है। इफिसियों पहला बाब 7 आयत में लिखा हुआ है, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी, उसके फजल की दौलत के माफी, उसके फजल से हमें यीशु के वसीला से गुनाहों से मखलसी मिल चुकी, किसी और के वसीला से नहीं, बछड़ों के बैलों के खून से नहीं, यीशु के बेशकीमत पाक लहू से हम पाक हुए हैं, हमारे गुनाह माफ। कुछ दो बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों जिस्म की नाम अपनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, और हमारे सब कसूर, हम नामकतून थे यानी बुतप्रस्त थे, गैर कौम से थे, गूंगे पुतों की पूजा करने वाले थे, लेकिन अब हम जिंदा खुदा के पुजारी, हम जिंदा खुदा को मानने वाले, हम जिंदा खुदा की प्रस्तुति करने वाले हैं, और उसने हमारे तमाम गुनाह क्या किया है माफ कर, माफी के लिए कुर्बानी की जरूरत है, खून की जरूरत है। खुदा का शुक्र है कि यीशु मसीह ने अपना खून बहाया। शरीयत का यह तकाजा था कि कुर्बानी की जाए, खून खुदा की मंजूरी में पेश किया जाए। इब्रानियों 9 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती थी, बगैर खून बहाए माफी। शरीयत का यह तकाजा था, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस शरीयत को पूरा किया, उसने अपना खून, पाक खून, बेऐब खून मेरे लिए आपके लिए बहाया है, ताकि मैं और आप निजात पाएं। हमारी जो कुर्बान माफी है, माफी के मुकम्मल होने के लिए कुर्बानी भी कामल होना जरूरी है। यही वजह कि खुद खुदा ने कामल कुर्बानी फराहम की, उसने अपने बेटे यीशु मसीह सलीबी मौत के जरिया, यीशु मसीह की मौत माफी की बुनियाद है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मौत हमारी माफी की क्या है बुनियाद है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा जी। कितनी खूबसूरत आयत है, हमने उससे मोहब्बत नहीं की बल्कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है, और उसी मोहब्बत में उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई भी किसी भी नस्ल से हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी कौम से हो, किसी भी कबीला से हो, कोई भी जुबान बोलने वाला हो, अगर वो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है कि यीशु ने मेरे लिए खून बहाया है, यीशु के लहू से मैं पाक हुआ हूं, उसके मार खाने से मैंने शफा पाई है, तो वो शख्स हलाकत से निकल कर जिंदगी में दाखिल, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। आप जितने इस वक्त यहां मौजूद हैं या दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा ये चाहता है कि सब जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह मेरा और आपका पर है। यीशु मसीह मेरा और आपका और दुनिया का बरना है, क्योंकि उसी के खून से मैं और आप और दुनिया के लोग माफी को हासिल करते हैं, नजात को पाते हैं। आमीन आमीन। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसके 39 आयत, यीशु के बर्रा होने का ऐलान यूहन्ना ने किया। वो जान गया था, वो जानता था, और दिखाया कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा लेगा। हालेलुया आमीन। यीशु मसीह खुदा का बर्रा है, वो हमारे गुनाहों को उठा कर रहे। जब उसे हम कबूल करते हैं तो हमारे गुनाह पूरब से पश्चिम तक दूर फेंक दिए जाते हैं। हालेलुया हम खुदा का शुक्र करते हैं। माफी के लिए इब्रानी और यूनानी के अल्फाज जो इस्तेमाल हुए उनके माने हैं तांपना, माफ करना, खत्म कर देना, दूर कर देना। खुदा की माफी में हमारा वो कर्ज जो उसकी तरफ आता वो खत्म हो जाता है। उसने हमारी कीमत अदा की, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए। हम अपने नहीं हैं, हम कीमत से खरीदे गए हैं। हम जब कीमत से खरीदे गए हैं तो अब हम अपने नहीं हैं बल्कि किसके हैं? जिसने हमें खरीदा है। किसने आपको खरीदा है? यीशु मसीह ने हमें खरीदा है। हालेलुया हालेलुया आमीन। बरकत दो बाप उसकी 5 आयत में यीशु ने उनका ईमान देकर कहा, मखलूक से बेटा तेरे गुनाह। हमने देखा कि जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो उसके पास गुनाह माफ करने का इख्तियार था। जब मफलूज को यीशु मसीह के सामने छत फाड़ कर उतारा गया तो यीशु ने उसको देखते ही ये नहीं कहा कि शबाब उठ जा। यीशु ने सबसे पहले उसको कहा कि तेरे गुनाह, अपनी चाल पर ही था, चल फिर। यीशु जानता था कि ये गुनाह की वजह से बीमार है और यीशु के पास एक प्यार था। 8 बाब उसकी 11 आयत में उसने कहा, ऐ खुदा किसी ने नहीं। यीशु ने से कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह। इस औरत का जिक्र है जो बदकार थी, जिसको पकड़कर यहूदी यीशु के पास लाए कि यीशु हमें क्या करे। तो जब यीशु ने उनसे बातचीत की और वो जमीन पर लिखने लगा तो जिन जिन के हाथ में पत्थर थे वो सारे पत्थर छोड़कर भाग गए। फिर यीशु ने उसे कहा, तो उसने कहा खुदा किसी ने नहीं। उसने कहा, जा मैं अभी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना कर। यीशु ने उसको भी कहा कि फिर तू गुनाह ना करता। किसको? उस औरत को जो लोग यीशु के पास बुलाए थे, और जो माफी हासिल करते हैं, जो खुदा की पैरवी करते हैं, जो मसीह के पीछे चलते हैं, वो सजा से बच जाते हैं, क्योंकि हम यीशु के खून से रास बाद ठहरते हैं। जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लेते हैं वो लोग मसीह के खून की बदौलत, उसे कबूल करने की बदौलत रास्त बाद ठहर, क्योंकि यीशु रास्ता है। आमीन। तो 5 बाप उसकी 9 में लिखा है, पस जब हम उसके खून के बायस अब रास्त बाद ठहरे हैं तो उसके वसीला से गजबे इलाही से जरूर बचेंगे। जब हम उसके खून से पाक होंगे, जब उसके खून से हमें माफी मिल चुकी है, हम रास्त बाद हैं, तो निकल के जरूर ही हम गजबे इलाही से बचेंगे। और
पहले भी मैंने आपको एक हवाला दिया, पहला बाब 8 आए, बस जितने मुसीबत हम पर सदा का हुक्म। लेकिन बात यह नहीं है कि सिर्फ यीशु को कबूल कर लेना और कहना कि मैंने यीशु को कबूल कर लिया है बस काफी, फिर यीशु के साथ तल्लक को और गहरा करना है, फिर यीशु को और जानना है, फिर खुदा बाप को और जानना है, और फिर रूल उसकी रहनुमाई में हमने दुनिया में जिंदगी बसर। जब हम अपनी खुदी का इनकार करेंगे, अपनी सलीब उठाएंगे, यीशु के पीछे चलते रहेंगे, जान देने तक वफादार रहेंगे, तब हमें जिंदगी का ताज। मैं और आप जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम उसके खानदान में उसके बादशाही के हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि कलाम हमें ये बताता है कि जो उसके खानदान में शामिल हो जाते हैं उन्हें गुनाह से रहाई मिल जाती है, और फिर वो बेटे बेटियां बन जाते हैं। वरना पहला बाप उसकी बारह क्या लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जितने भी दुनिया में मसीह यीशु को कबूल करते हैं और खुदा के साथ चलते हैं, पैरवी करते हैं, हुक्मों को मानते हैं, वो क्या है, खुदा के बेटे। आमीन। माफी हमें शख्सी तौर पर तब्दील कर, माफी हमें शख्सी तौर पर क्या कर देती है, तब्दील कर, नया बना देती है, नए सिरे से पैदा कर देती है। खुदा का शुक्र हो कि फिर वो लोग जो नए हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो उसकी बादशाही में दाखिल हो सके, वो उसकी बादशाही का हिस्सा बन सके। आमीन। आमीन। यीशु मसीह हमें हमेशा की जिंदगी का वादा, यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा की जिंदगी का वादा करता है कि नहीं करता। क्या उसने कहा कि जिस जगह मैं हूं तुम भी मेरे साथ, वही होंगे जो हमेशा की जिंदगी पाएंगे, वही होंगे यीशु के साथ जो पाक जिंदगी बसर करेंगे। मुबारक है वो जो पाक फिर है, वही खुदा को देखेंगे, वही उसके साथ उस जिंदगी में होंगे, वही उसके साथ उस हमेशा की अपनी जिंदगी में बादशाही में होंगे, दूसरे नहीं होंगे। आमीन। इसलिए जरूरी है कि माफी हासिल करने के लिए, इसलिए जरूरी है कि माफी हासिल करने के लिए हम अपने गुनाहों का क्या करें, हम अपने गुनाहों का क्या करें, हमें हर रोज अपने गुनाहों का इकरार करने की, हर रोज गुनाहों का इकरार करने की, क्योंकि हम इंसान हैं, कमजोर हैं और खता है। हमें अपनी बुरी लफ्जों से बाज आने की जरूरत है, हमें बदी से बाज आने की जरूरत है, हमें नाराजगी को तर्क करने की जरूरत है, हमें गुनाह को तर्क करने की जरूरत है, हमें बगावत को छोड़ना होगा, हमें बगावत को क्या करना होगा, कि खुदा में खुदा कहता है लोगों बाज आ जाओ नहीं तो सजा, अगर हम बाज नहीं आएंगे तो सजा वाजिबी है। अपने आप को खुदा के सुपुर्द, जब हम अपने आप को उसके सुपुर्द कर देंगे, जब हम अपने आप को सर अंडर कर देंगे, जब हम अपना इकरार करेंगे कि ऐ खुदावन खुदा मैं गुनाहगार हूं, मैं जानता हूं कि तेरे बेटे यीशु के खून से मैं पाक हो सकता हूं, मेरे गुनाह माफ हो सकता, मैं इकरार कर रहा हूं, मुझे माफ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, तो वो आपको क्या करेगा। और ये माफी का अमल जो है जारी रहने वाला है, ये एक ही बार माफी पाकर खत्म होने वाला अमल नहीं है, बल्कि ये अमल क्या है, जारी रहने वाला। आमीन। आमीन।
अमीन अमीन। इस अमल को जारी रखते हुए अपने आप खुदा के साथ कायम रखना होगा। क्या करना होगा? कायम रखना। अगर हम खुदावंद में कायम नहीं होंगे तो हमारा ये अमल रुक जाएगा, और अगर ये अमल रुक गया तो फिर हम दोबारा गुनाह में गिर सकते हैं, दोबारा हम गुनाह में बढ़ सकते हैं, दोबारा हम दुनिया की रक्षों में मुब्तला हो सकते हैं, बदी में जा सकते हैं। जरूर है कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि हमें हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है, हमें हर रोज दुआ की जरूरत है, हमें हर रोज रफाकत की जरूरत है, और हमें इस पाक मेज में शामिल होने की क्या है, और ये उसी वक्त है जब हम हर रोज खुदा के साथ रहें और इकरार करें कि खुदावन मैं कमजोर हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरे गुनाहों को माफ किया, मुझ पर रहम करो। आखिरी आयत है पहला यूहन्ना पहला बाब 9 आयत। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और हाजिर है। अगर हम इकरार करेंगे तो वो माफ करेगा, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है, वो इंसाफ करने वाला है, वो रहम फरमाने वाला है। जब हम उसके पास जाएंगे इकरार करेंगे तो वो क्या करेगा? माफ करेगा। क्या करेगा? माफ करेगा। वो माफ करने वाला है, वो रहम फरमाने वाला है। आए इस कलाम को अपनी जिंदगियों में लें, क्योंकि जिंदगी की रोटी यीशु ने कहा मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? जिंदगी की रोटी। और यीशु ने कहा ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी, और यीशु ने ये मिसाल भी दी थी यहूदियों को कि तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और वो हरा, लेकिन जो ये रोटी खाएगा, जो ये रोटी खाएगा वो जिंदा। ने कहा था कि ये रोटी जिंदगी देती है। ये रोटी क्या है? और इसलिए इसने कहा कि जिंदगी की रोटी, जो मेरा गोश्त खाता जो मेरा लहू पीता हमेशा की जिंदगी उसकी है। आमीन। आमीन। गुलाम सबको बनता।